पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार। खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मथना गांव की निवासी विवाहित महिला जैतून ने पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है। जैतून ने बताया है कि मेरी शादी 10 वर्ष पूर्व मुन्नू पुत्र जाकर निवासी मथना के साथ हुई थी। मेरे माता पिता हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन मेरे पति दहेज के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे मारते पीटते थे। दिनांक 3/11/2022 को समय लगभग 8 बजे बच्चे ने चीनी गिरा दी, जिसको लेकर पीड़ित महिला के पति मुन्नू और चुन्नू पुत्र जाकिर व देवरानी मौसीना ने मिलकर काफी मारा पीटा, जिसे दोनों पैरों और हाथों में चोटें आई, जिसे बेहोश हो गई। जान से मारने की कोशिश की लेकिन किसी तरह बच गई। अब देखना यह है कि पीड़िता का मुकदमा लिख कर अपराधियों पर क्या कार्यवाही होती है। जैतून कहाँ की निवासी है? मथना की। आप यहाँ एसपी ऑफिस की में बैठी हो और आपके काफी चोट भी लगे हैं। किसने मारा? हमारा पति ने मारा। क्या नाम पति का? मुन्नू। अच्छा, और वो दहेज मांगता है। अच्छा? हमारे भाई ने गरीब है तो दहेज दे नहीं पाते, इसलिए मारा है हमको। बच्चे ने शक्कर ने गिरा दिया तो इसलिए मारा है। मौका पा के मारे। और किसी ने मारा है? चुन्नू। चुन्नू कौन है तुम्हारा? जेठ। जेठ ने भी मारा? जेठ जेठानी। जेठ हो जेठानी है। जेठ का क्या नाम है? चुन्नू। जेठानी का क्या नाम है? मौसीना। मौसीना मार के ढील दिया हमारे भाई, तने फोन कह दिया इधर उधर के, तब वो भी आया तो उठा के ले गया। उसे जो कहा कहा मारा है तो कहे उसके पर बगौड़ी उठाए ली मारे। आपने एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दे दिया? जी हाँ। क्या बोला एसपी साहब? अभी कार्रवाई करते हैं। कहा भी कार्रवाई करेंगे? हाँ।